Hello guys, welcome back to my channel Triple P Corner. So guys, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको 10 habits बताने वाली हूँ, morning के 5 habits और night के 5 habits. उसमें मैं मॉर्निंग का एक अलग हैबिट्स का वीडियो बनाने वाली हूँ और नाइट हैबिट्स का एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ. सो मैं आज नाइट्स हैबिट्स का वीडियो लेके आई हूँ. सो फ्रेंड्स, आपने 5 हैबिट्स मॉर्निंग के तो देख लिए. अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें नाइट में अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए, अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए. उससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो सकती है, ब्राइट हो सकती है और हेल्दी भी रह सकती है. आपकी बॉडी भी ओवरऑल हेल्दी रहेगी जब आप ये सब हैबिट्स मतलब ये हैबिट्स आप फॉलो करोगे. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस नाइट हैबिट्स में जो 5 नाइट हैबिट्स है वो खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताने वाली हूँ. एक जो टिप्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने मॉर्निंग जो हैबिट्स है उनमें भी आपको बताई थी, वैसे ही मैं इस वीडियो में भी आपको बोनस टिप्स बताने वाली हूँ. सो आप लास्ट तक फ्रेंड्स बने रहिए. हैबिट नंबर 1, नाइट में जो हैबिट है, जो हैबिट नंबर 1 है वो है रिमूव मेकअप. वो मतलब ये हैबिट सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप जो दिन भर में मेकअप कर रहे होते हैं, आपके फेस पे जो दिन भर का मेकअप होता है वो आप रात में उतार लीजिए. मतलब आपको वो मेकअप रिमूव करना ही चाहिए. आप मतलब लेजी मत होइए. मतलब ऐसा नहीं कि आज चलो यार आज छोड़ दिया, आज मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मेकअप उतारूं तो मैंने ऐसे ही सो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा फेस धो लेती हूँ और ऐसे सो जाती हूँ. ऐसे मत कीजिए. आपको आपका मेकअप किसी भी हाल में उतारना ही चाहिए. वही आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, आपके फेस के लिए अच्छा होता है. अगर आप वही मेकअप लेके सो जाएंगे तो आपके स्किन को, आपके फेस के ऊपर रिएक्शन हो जाएगा, मेकअप का साइड इफेक्ट हो जाएगा. आपका स्किन काली पड़ सकती है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है या फिर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है. सो अगर आपको ये प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अपना मेकअप रिमूव करना ही पड़ेगा. सो अगर आपको आपका मेकअप सही तरीके से कैसे रिमूव करें वो देखना है तो मैंने एक वीडियो बना है, जो मैं गेट अनरेडी विद मी ऐसा मैंने वीडियो बनाया है. उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वो आप वीडियो चेक कीजिए और किस तरह से आपको अपना मेकअप परफेक्टली कैसे उतारना चाहिए वो उसमें मैंने बताया है. वो आप देखिए और उसी तरह से आपका मेकअप आप भी उसी तरह से अनरेडी होइए और आपकी स्किन को हेल्दी रखिए. हैबिट्स नंबर 2, एक्ने केयर. मतलब आपको अपने एक्ने की या फिर आपको पिंपल्स की केयर करनी चाहिए. मतलब आप कोई भी क्रीम देख लो या फिर आप कोई भी फेस वॉश देख लो, फेस पैक देख लो, नेट पे कोई भी रिव्यू देख लो और वो आप इस्तेमाल करोगे, लगाओगे आपके स्किन पर, तो ऐसा मत करो. उसका पहले पैच टेस्ट ले लो. मतलब यहाँ पे गर्दन पे आप उसका पैच टेस्ट ले लो. यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको लगाना हो वहीं पे आप लगाओ. यहाँ पे लगाओ, मैं यहाँ पे ही लगाती हूँ, वही आप लगाओ और उसका पैच टेस्ट ले लो पहले, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे वो. अगर आपको पिंपल्स है उसके ऊपर आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपके पिंपल्स बढ़ सकते हैं अगर आपको उसका रिएक्शन हुआ तो. सो आप पिंपल्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ उसका पैच टेस्ट ले लो, क्योंकि आपकी स्किन उससे बर्न भी हो सकती है. सो आप उससे पैच टेस्ट ले लो फिर ही आप यूज़ कर लो. कोई भी बता रहा है और आप यूज़ करने लगोगे तो ऐसा मत करो. आप पहले पैच टेस्ट ले लो फिर आप उससे यूज़ करो. सो आपको क्या करना चाहिए, आपके एक्ने को पॉप अप नहीं करना चाहिए. मतलब आपके एक्ने को आपको ऐसे दबाना नहीं चाहिए, ऐसे आपके एक्ने बढ़ सकते हैं और काले मार्क जो होते हैं एक्ने के वो छोड़ के जा सकते हैं. इसीलिए आपको अपने एक्ने की केयर करनी चाहिए. इसकी मतलब आप जब अपने एक्ने की केयर करेंगे तो आपके स्किन पर जो काले दाग धब्बे वो आपने छोड़ जाते हैं वो नहीं छोड़ेंगे. और आपके एक्ने की केयर करते वक्त आप अपने फेस को ओवर वॉश मत कीजिए. मतलब दिन में 5-6 बार कोई लोग ओवर वॉश कर लेते हैं, उससे भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और उससे भी आपके एक्नों को प्रॉब्लम हो सकती है. सो ओवरऑल मैं बता रही थी कि आप अपने एक्नों का ख्याल रखिए. हैबिट नंबर 3, शुगर इंटेक.
मतलब आप जो शुगर खा रहे हो, आपके जो फूड में शुगर है वो आपका इंटेक जो है वो कम लीजिए. उससे आपके मतलब इंटेक आप ज़्यादा लोगे तो आपके स्किन पर ब्रेकआउट हो सकते हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी फटी फटी सी लग सकती है और आपके बॉडी को भी उससे प्रॉब्लम होता है. मतलब आप शुगर ज़्यादा मत यूज़ कीजिए. अगर आप चाय पी रहे हो तो ग्रीन टी में उसे पीजिए, मतलब चाय छोड़ के ग्रीन टी पीजिए. आपको मतलब ऐसे कीजिए कि आप हफ्ते में शुगर मत ही लीजिए, शुगर का कोई प्रोडक्ट मत कंज्यूम कीजिए. आप जब संडे होता है तो अपने आप को पार्टी दीजिए, छोटा सा एक पीस आपको शुगर का खा सकते हैं. उससे आपकी बॉडी में शुगर का इंटेक कम हो जाएगा और आपकी स्किन और फ्लॉलेस और ब्राइट और हेल्दी रहेगी. मतलब कि स्किन ही नहीं, आपकी बॉडी भी हेल्दी रह सकती है, मतलब रहेगी ही, क्योंकि आपके बॉडी को भी शुगर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक अच्छा नहीं है आपके बॉडी के लिए. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का इंटेक मत लीजिए और आप कम से कम शुगर लीजिए. शुगर के अलावा आप और सारे ऑप्शन होते हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए और हेल्दी रहिए. हैबिट नंबर 4, रिलैक्स योर सेल्फ. मतलब आप दिन भर में काम करते हो या फिर आप दिन भर में ऑफिस जाते हो, जॉब जाते हो या फिर कहीं जाते हो, या फिर आप दिन भर में बहुत थके हुए होते हो, घर पर भी होते हो तो आप थके हुए होते हो. सो रात में अपने आप को आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए अपने आप के साथ. मतलब उसमें आप अपने सिंगिंग कर सकते हैं. आपको सिंगिंग की अगर आपको सिंगिंग का आपका फैशन है तो सिंगिंग कर सकते हैं. आपको जो आपकी जो फैशन है वो आप कर सकते हैं, या फिर आप सॉन्ग सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर आप कुछ बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप मूवी देख सकते हैं. लेकिन अपने आप को आप टाइम दीजिए मॉर्निंग मतलब नाइट के टाइम, आधा घंटा या एक घंटा अपने आप को दीजिए और आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए. मतलब अपने आप की अब आप मतलब आप रिलैक्स रहेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपकी स्किन भी रिलैक्स ही फील करेगी, उससे आपके फेस को भी ग्लो आएगा. हैबिट नंबर 5, 7 hours ऑफ स्लीप. मतलब आप जो नींद ले रहे हो वो 7 hours तो होनी ही चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 hours होनी चाहिए, लेकिन 7 hours तो आपको लेनी ही चाहिए. उससे आप कम मत लीजिए, उससे आपके स्किन को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आप नींद ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपको काले घेरे हो सकते हैं आँखों के नीचे, या अगर आप नींद कम ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा घेरे हो जाएंगे. और आपको पता ही है घेरों का इलाज करना मुश्किल है, मतलब आपको लेजर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है घेरों के इलाज के लिए. सोने के वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी, हेल्दी रहेगी और आपकी स्किन भी उससे फ्लॉलेस दिखेगी, आपका फेस भी उससे ब्राइट दिखने में और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ही आपका फेस उससे ब्राइट दिखने लगेगा. और आपको जो डैमेज स्किन है वो भी आपकी स्किन रिपेयर होने में मतलब रिपेयर होने में मदद हो जाएगी. जो मैं आपको इस वीडियो में बोनस टिप बताने वाली थी वो ये है कि आप जब एक्ने केयर कर रहे होते हैं, जो एक्ने आपके फेस के ऊपर जो डार्क स्पॉट छोड़ देते हैं उनके लिए आप टोमेटो जो होता है वो पीस कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी मिलाइए. आपके लिए आप थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं और वो पेस्ट आप हफ्ते में 2 या 3 बार आपके फेस पे लगाइए. आपको मंथ में तो इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा. आप हर रोज इसे मतलब आप हफ्ते में 2 या 3 बार इसे लगाने से आपके जो मतलब जो पिंपल्स के जो पैचेस होते हैं, या पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट होते हैं वो लाइट होने में उससे मदद मिल सकती है. अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो मतलब ये नाइट स्किन केयर वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से ढेर सारे कमेंट भी कीजिए. सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.